रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s. कितना हो रहा है? 1/2 cm/s के हिसाब से पड़ रहा है. एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग. किस रेट पर उस बबल का वॉल्यूम बढ़ रहा है? वैन द रेडियस इज 1 cm. जब उसका रेडियस कितना है? फिर से क्वेश्चन को समझते हैं. द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s. 1/2 cm/s के हिसाब से बढ़ता है. एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज. तो उसका वॉल्यूम निकालना है जब उसका रेडियस कितना होगा? 1 cm. सुनो, तो पहले सबसे पहले पता लग गया आपको. तो dr/dt कितना है? 1/2 cm बढ़ता है रेडियस, तो हमें वॉल्यूम निकालना है. जब रेडियस क्या है? 1 cm. समय आता है? क्वेश्चन कह रहा है जब dr/dt रेडियस हमारा 1/2 cm/s के हिसाब से बढ़ रहा है ना, अब वो कह रहा है कि भाई भाई को बताओ कि उसका वॉल्यूम कितना होगा जब रेडियस 1 cm होगा. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr का क्यूब. उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं तो 4/3 हमारा जो चलता है ना, तो नीचे आ जाता है हमारा एन एक्स की पावर एन होता है एन एक्स माइनस क्या होता है एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, क्योंकि पावर कितनी आर की 3, तो 3x 3 - 1 विच इज इक्वल टू 3x2. ये तो हुआ 3x2. ये सुनो, तो ये हो गया है ना. तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे r चल रहा है ना, तो यहाँ पे r चलेगा. ठीक है, ये सॉरी ये वाला r, ये तो है नहीं है, है ना. r चल रहा है तो 3r/2. तो dr/dt की रेडियस के टर्म में, तो dr/dt. ये सुनो, तो हमने क्या किया आप बोलो? वॉल्यूम चल रहा था ना dr/dt, तो हमारा v क्या था? हमारा 4/3 क्या निकला? अगर हम r के टर्म की बात करते तो r कितना हमारा बोलो ना, 1/2 cm के हिसाब से रेट चेंज हो रहा है ना. तो 1/2 कर दो r की जगह, 3 से 3 कट गया. तो dy/dt r जब कितना है हमारा 1 है, तो 1 पुट करो हैं, तो कितना आया उसका dr/dt कितना चेंज हो रहा है? 1/2 पुट करो इसकी वैल्यू है ना. हाँ जी, तो कितना होगा बोलो ना, आर हमारा कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया 2π cm/s³/s. कैसे रही? तो वॉल्यूम इतना चेंज होगा जब आर 1 cm होगा. आई होप समझ में आ गया. अब क्वेश्चन 13 देख लो बेटा, क्या कहता है? अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा है जो गोलाकार का रहता है. अब बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर. इसका डायमीटर कैसा है? वेरिएबल यानी चेंज होता है, 3/2 2x+1. अब बलून क्या है? आ बलून, हाँ आ बलून है ये, आ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, जो एक गोलाकार का हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, जो डायमीटर वेरी करता है 3/2 2x+1. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम. हमें क्या निकालना है? इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसका रेट निकालना है, हमें रेट निकालना है. हाँ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है. ठीक है बेटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या चलता है हमारा, पता है ना कितना इसका डायमीटर है 3/2 2x+1. तो रेडियस क्या होगा? डिवाइड बाई 1/2, जो भी डी होता है इसको रेडियस बनाते हैं तो किसके करते हैं? 2 से डिवाइड. जैसा सुनो, तो हमारा 1/2 3/2 आ गया 2x+1, तो कितना हो गया 2 × 4 3/4 2x+1. यहाँ तक समय आ गया रेडियस. रेडियस कितना आ गया? 3/4 2x+1. रेडियस कितना आ गया बेटा? 3/4 2x+1. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr³. तो पुट करो क्या आ गया, डेरिवेटिव निकाल लो उसका. तो हमारा क्या हो गया 4/3 π. r की वैल्यू कितनी आई? 3/4 2x+1 का होल का क्यूब. सोल्व करो क्या आएगा, 4/3 π, 3 × 97 4 का हो गया 64, 2x+1 का आ गया ना, हमने खोला. फिर क्या हुआ, 4/3 कट जाएगा, 27/64 जो भी काटा पीटी करिए कितना आ गया π 9/16 और 2x+1 का होल क्यूब. सुनो, अब वो क्या निकालना है, क्या निकालना है इसका, हाँ बोलो. फाइंड द रेट ऑफ विच चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चेंज कितना होता है ना. तो वॉल्यूम है dv/dx निकालना है हमें. ये सुनो कितना चेंज होता है इसमें, हमारा कितना आया हमारा बोलो ना, 9π/16 आया है ना, 2x+1 आया. तो चेंज कर निकालते हैं, तो हमारा क्या हुआ 9π/16. तो डेरिवेटिव लिया 3x 2x+1 का होल स्क्वायर. फिर हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें क्या दिखाई दे रहा था x की पावर n, पहले पावर कैंसिल आउट की हमने nx n-1, उसके बाद हमें ये दिखाई दे रहा. इसका दोबारा डायरेक्ट लेंगे फेस का d 2x प्लस
डी वाई अपन डी एक्स वाई जो काट दिया हमने वॉल्यूम में, ठीक है, तो हमारा क्या वर्टिकल फ्रिक्शन क्या वन तो कट जाएगा, ये भी हमारा क्या जाएगा टू आ जाएगा, ये सुनो, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट का वेरिएबल लेते नहीं है, वो डेरिवेटिव लेते नहीं है, तो 27 पाई बाई 16 था तो क्या हुआ, टू से टू कट गया, एक पे ये आ गया आंसर, ये सुनो आ गया। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, साउंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यू। हाँ भाई, पाइप से साउंड आ रहा है किस कितनी रेट पर, 12 सेंटीमीटर पर क्यू पर सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्यू पर सेकंड के हिसाब से। फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, मतलब कौन से गिर रही ग्राउंड पर, है ना, दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब जो रेत गिरती है, वो जो रेत गिर रही है किसी कौन से, वो कितने के बराबर है, मान लो एक कौन है और इससे जो रेत गिर रही है, क्या कह रहा है, फॉलिंग ऑफ द क्या मिल रही है, अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब का सेंटीमीटर, यानी पाइप से सैंड इसमें भरी जा रही है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, पाइप से सैंड निकाली जा रही है। द फॉलिंग सैंड फ्रॉम फॉर्म्स अ कॉन, जब सैंड गिरती है तो क्या बनता है, एक कॉन बनता है, ठीक है बेटा, फॉर्म अ कॉन ऑन द ग्राउंड, किस पे बन रहा है, ऊपर से मतलब पाइप से रेत गिरा रहे हैं और ग्राउंड पे क्या बन रहा है, कॉन बन रहा है, अब समझ आ रहा है, ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज, जो हाइट बढ़ती है कॉन की, कॉन की हाइट नहीं बढ़ेगी, चेंज होगी ना, अब रेत गिर रही तो हाइट इंक्रीज होगी, नहीं होगी, तो कह रहा है द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6, जो हाइट होगी h वो किसकी होगी, 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ वेट, यानी हाइट जो होगी वो रेडियस की कितनी होगी, 1/6 ऑफ रेडियस, समझे, हाइट जो होगी रेडियस की 1/6 होगी, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कह रहा है ना, द फॉलिंग सैंड फ्रॉम अ कॉन ऑन द ग्राउंड इज सच अ वे दैट द हाइट ऑफ अ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कॉन इंक्रीजिंग, कितनी, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंट कॉन इंक्रीजिंग, मतलब वो जो कॉन है उसकी हाइट कितनी तेज बढ़ेगी, वैन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब उसकी हाइट कितनी होती है 4 सेंट, तो उसकी हाइट कितनी तेज बढ़ेगी, सबसे पहले क्वेश्चन में लेते हैं, डी वॉल्यूम कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, अब तरह से क्या हो रहा है, इस रेट से गिर रही है सेंट, है ना, किससे, पाइप से, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब का, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फिर क्या कहता है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कॉन, और जो उससे कौन कौन सी क्या सैंड गिरती है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस के बेस मतलब कॉन के जो बेस का रेडियस है उसका क्या है, 1/6 है, हाफ आज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग, अच्छा हमें निकालना है कि कॉन की जो हाइट है वो कितनी तेज इंक्रीज हो रही है, वैन द हाइट इस 4 सेंटीमीटर, यानी एच आपको 4 सेंटीमीटर की बने, सुन लो, तो हमें पहले कॉन की निकाल लेते हैं, कितने से हो रही है, डी वाई अपन डी टी 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा अच्छा हाइट जो है वो क्या है, रेडियस की 1/6 आ गया, तो हमें डी एच अपन डी टी हाइट निकालनी, जहाँ एच कितना है 4 सेंटीमीटर, तो फिर हमें आ गया, तो आर हमारा कितना है, पता है ना, जब एच हमारा 1/6 आ रहा है तो आर कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, एच के पास 6 क्या हो जाएगा, आर इक्वल 6 एच, ये सुन लो, यहाँ तो आ गई, आर इक्वल 6 एच हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्म बताओ, 1/3 πr² का स्क्वायर एच, ये तो होता है, इसका डेरिवेटिव ले लो क्या होगा, बोलो, ये तो 1/3 πr³ कर दो, ये हमारा क्या जाएगा, बोलो ना, आर की वैल्यू क्या है, 6 एच, क्योंकि एच निकालना है, एच की टर्म ले लो, तो क्या हो गया, फिर डेरिवेटिव ले लो इसका, 6 एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच, ये सुन लो, खोलो से क्या हो जाएगा, 36 एच का स्क्वायर इंटू एच कितना होगा, एच इंटू एच क्या होगा, एच का क्यों 12 एच, 12 πh का क्यों, आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो समय आ गया, उसके बाद क्या निकालना, डी वी अपॉन डी टी 12π इंटू 3 एच का स्क्वायर, ये सुन लो, डी एच अपॉन डी टी, ये सुन लो, 12π इंटू 3 एच का स्क्वायर डी एच अपॉन, यहाँ तो समय आती है, फिर हो गया 12 × 24 = 36 एच पाई एच का स्क्वायर, डायरेक्ट ले लिया हमने इसको दोबारा, फिर क्या हुआ, एच की टर्म में, तो क्या हुआ, काटा पीटी करो कितना हुआ, है ना, अब क्या बोल रहा था, बोलो, डी एच अपॉन डी जो एच कितना है, 4 है, हाँ समझ आ रही है, कैसे, ये 12 था ना, इसका डेरिवेटिव लिया तो कहाँ जाएगा, ये सब कहाँ चला जाएगा, नीचे आ गया ना, तो डी एच अपॉन डी टी आ जाएगा, और एच हमारा 4 है तो 4 की पुट कर दो, चचक 16 हो गया, 3π कितना हो जाएगा, 12 × 24 = 36 12 से 3 पे कट गया ना,
छत्तीस और ये चाचा सोलह 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 32 होती है तालिबन भाई 48 पाई सेंटीमीटर पर संख्या श्री आ रही जा रही।